जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री माध्यमिक 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग आज देखेंगे कि आप लोगों ने जितने एमसीक्यूज तथा एसक्यूज क्वेश्चंस को टच किया था उसमें कितने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने जब पेपर को देखा और एनालिसिस किया तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो थोड़ा थोड़ा मतलब देखा जाए तो हार्ड था। फिर भी जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व अवश्य किया होगा और एग्जामिनर भी आप लोगों के इस प्रयास के माध्यम से ही आपको अधिक से अधिक अंक देंगे। तो इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज सही किए हैं और कितने एमसीक्यूज आपका गलत हो गया है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ और देखते हैं इस साल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, राचेल कसांत युक्त थे किससे थे भाई? तो ये थे परिवेश के इतिहास से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंकिम चंद्र बंग दर्शन पत्रिका का संपादन किए थे कितने वर्षों के लिए? तो 4 वर्षों के लिए किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना किए थे कब? तो 1815 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम प्रेमचंद्र रायचंद्र वृत्ति के प्राप्तकर्ता थे, ये थे आशुतोष मुखोपाध्याय, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब अनकॉमन क्वेश्चन था, किसी के एक्सपेक्ट में नहीं था कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फिर भी जो इसका सही उत्तर होगा वो है आशुतोष मुखोपाध्याय। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनासा शब्द है क्या है? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंगल महल नामक एक अलग जिला का गठन किया गया था कब? तो वो हुआ था मेरे दोस्त चुआर विद्रोह के बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजकीय विभाग के प्रथम इंस्पेक्टर जनरल थे कौन थे? तो उनका नाम था डीएसटी ब्राडनिस। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाविद्रोह 1857 को सैनिक विद्रोह की व्याख्या किस ब्रिटिश लेखक ने किया था? उसका नाम है चार्ल्स रेकस। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, चैत्र मेला हिंदू मेला के रूप में परिचित हुआ, इसका सही उत्तर होगा ये कब हुआ था? तो वो हुआ था 1875 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सभा के प्रथम सभापति थे कौन थे? तो वो हैं रेव कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, ठीक है। रेव बंधु कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगला पुस्तक व्यवसाय के पायनियर थे कौन थे? तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगला लिनोटाइप प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, कब हुआ था? तो ये 1935 में, ठीक है, 1935 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश प्राण नाम से परिचित थे कौन? तो उसका नाम होगा बंकिम चंद्र शमलर, ठीक है। ये जो थे वो देश प्राण के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। चलिए अगला बात करते हैं, भारत के प्रथम श्रमिक संगठन था कौन? मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा। कृषक प्रजापति के संस्थापक थे, ठीक है, सॉरी कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनासा शब्द है क्या है? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंगल महल नामक एक अलग जिला का गठन किया गया था कब? तो वो हुआ था मेरे दोस्त चुआर विद्रोह के बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजकीय विभाग के प्रथम इंस्पेक्टर जनरल थे कौन थे? तो उनका नाम था डीएसटी ब्राडनिस, ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाविद्रोह 1857 को सैनिक विद्रोह की व्याख्या किस ब्रिटिश लेखक ने किया था? उसका नाम है चार्ल्स रेकस, ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग,
चैत्र मेला हिंदू मेला के रूप में परिचित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ये कब हुआ था, तो वो हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सभा के प्रथम सभापति थे, कौन थे? तो वो हैं रेव कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। ठीक है, रेव बंधु कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगला पुस्तक व्यवसाय के पायनियर थे, कौन थे? तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगला लिनोटाइप प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, कब हुआ था? तो ये 1935 में। ठीक है, 1935 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश प्राण नाम से परिचित थे, कौन? तो उसका नाम होगा बंकिम चंद्र शमलर। ठीक है, ये जो थे वो देश प्राण के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। चलिए अगला बात करते हैं, भारत के प्रथम श्रमिक संगठन था, कौन? मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा। कृषक प्रजापति के संस्थापक थे, ठीक है, सॉरी, कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो फजलुल हक। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल छमीर व्रत कथा रचना किए थे, किसने इसकी रचना की थी? तो वो थे रमेश सुंदर त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारी कर्म मंदिर की स्थापना की थी, किसने? तो उर्मिला देवी ने, ऑप्शन नंबर क सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एजावा संप्रदाय के प्रधान नेता थे, कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। अगला बात है क्या है, देखिए, भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य गठित हुआ था, मतलब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब गठित हुआ था? हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था जिसने भाषा के आधार पर अपना विभाजन किया था, वो किया था 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हुआ, कब? तो वो है 1956 में, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने 20 MCQs कंप्लीट किए। आप लोग बिन क्वेश्चंस को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों ने बिन 20 MCQs क्वेश्चंस में से कितने MCQs क्वेश्चंस सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग विभाग ख। विभाग ख में देखिए क्या लिखा है, किन्हीं 16 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उप विभाग से कम एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही आपको कुल 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभाग जो है वो 5 विभागों में खंडित है, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5। ठीक है ना, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको जो है 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन 20 क्वेश्चंस में से आपको 16 प्रश्न करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि प्रत्येक विभाग से एक प्रश्न करना आपको अनिवार्य था, यानी आपको 5 विभाग करने ही थे। ठीक है, आप एक भी किसी एक विभाग से एक क्वेश्चन को आपको करना ही था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 2 का 1 लिखा है, भारत में किस वर्ष रेल पथ का आरंभ हुआ था? तो रेल पथ का आरंभ हुआ भाई साहब 1853 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से आता? पुणे से थावे। चलिए अगला बात करते हैं, ग्रामवार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो हमारे कुष्टिया जिले के कुमारखाली ग्राम से ये छपती थी, कोलकाता में। ठीक है ना, अगला बात करते हैं, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका आंसर होगा विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय जो थे वो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, गांधी बूटी के नाम से कौन जानी जाती थी? उनका नाम था मतंगिनी हाजरा। जो मतंगिनी हाजरा थी वो गांधी बूटी के नाम से जानी जाती थी। चलिए अगला बात करते हैं, देखिए विभाग ख, यानी सॉरी विभाग ख बोल रहे, उप विभाग 2.2। विभाग 2.2 में देखिए क्या बोला है, यहाँ पर आपको सत्य और असत्य यानी सही और गलत बताना है। 70 वत्सर विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा है, एकदम सही। मधुसूदन दत्त प्रथम भारतीय मानव शरीर के विच्छेदक थे, ठीक है, एकदम गलत है, गलत है। ठीक है, डॉक्टर अनिल शील 18वीं शताब्दी को संघों का युक्त व्यक्त किए हैं, गलत है। गगेंद्रनाथ ठाकुर एक व्यंग्यशिल्प थे, गलत है। चलिए इस प्रकार सही गलत 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 है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, स्तंभ बोल रहे हैं विभाग 2.3 का। ठीक है, अगला इसमें देखिए मिलान करना है हम लोगों को, एक था 2.3 का, 1 का देखिए क्या है, सी वी रमन जो थे उनका मिलान करेंगे हम लोग कलकत्ता के साथ। ठीक है, सी वी रमन क्या है, कलकत्ता। बाबा रामचंद्र, रामचंद्र क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश।
ठीक है, उषाबेन मेहता, उषाबेन मेहता होगा बम्बई, ठीक है, और हेमू कलानी क्या होगा, सिंधु प्रदेश, ठीक है, सिंधु प्रदेश। आप लोग इस प्रकार भी मिलान कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नंबर भी देकर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाग 2.4, यहाँ पर आपको दिखाना था, मैप पॉइंटिंग था, इसमें मानचित्र के द्वारा आपको दिखाना था महाविद्रोह 1857, एक मेरठ केंद्र, मेरठ दिखाना था कहाँ है, संथाल विद्रोह जो क्षेत्र है 1855 में कहाँ हुआ था वो दिखलाना था, ठीक है। ये सब हम लोग बता चुके हैं, आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, सारा का सारा कॉमन क्वेश्चन लड़ा हुआ है यहाँ पे, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 2.5, निम्नलिखित कथनों का सही व्याख्या चुनिए, ठीक है, दिया गया है कथन, देखिए क्या है, देवेंद्रनाथ ठाकुर 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से युक्त हुए एवं एक ब्रह्म आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, तो ये होगा वे ब्रह्म समाज का संस्कार किए एवं नवीन प्राण प्रचार किए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो व्याख्या नंबर 3 होगा वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, भारत की उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार वन कानून लागू की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार वन कानून लागू की थी, किस लिए की थी, देखते हैं यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही उत्तर होगा, ब्रिटिश सरकार निजी स्वार्थ के लिए वन संपदा का उपयोग करना चाहती थी, इसीलिए उसने क्या किया था, वन कानून लाया था, ऑप्शन नंबर ख है सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, गांधी जी कभी भी श्री श्रमजीवी आंदोलन के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, इसका सही उत्तर क्या होगा, गांधी पूंजी और श्रम के बीच संघर्ष नहीं चाहते थे, ठीक है, ये जो होगा एकदम सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 में मोपाल विद्रोह घटित हुआ था, क्या होगा, यह किसानों का एक उग्रवादी आंदोलन था, ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें आपको 100 में 100% मार्क्स मिलने वाला था वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ सॉल्व कर दिया है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तथा यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको परीक्षा में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं विभाग ग जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है इन्हीं 11 प्रश्नों को आपको करना था, आप लोग बोलेंगे तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन वीडियो लाकर कमेंट जरूर अपलोड करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट करते हैं तो हम अगर देखते हैं तो हम सुविधा आपकी सुविधा के अनुसार हम जरूर इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।